तो आज आपके लिए लेकर आए एक ऐसा वशीकरण का उपाय जिससे आप किसी भी लड़की को या स्त्री को अपने प्यार में, अपने वश में कर सकते हैं। जी हाँ, बहुत सारे लोग हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें भेजते हैं कि वो किसी लड़की से प्यार करते हैं, किसी लड़की के प्यार में इतने ज्यादा पड़ गए हैं कि वो लड़की उनके, लेकिन वो लड़की उन्हें भाव नहीं दे रही है या उनकी तरफ पलट कर नहीं देख रही है, लेकिन वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। तो आज का ये वीडियो हमारा उन्हीं लोगों के लिए है जो किसी लड़की से बेहद प्यार करते हैं और चाहते हैं कि वो लड़की भी उनसे उतना ही प्यार करे, उनको एक्सेप्ट कर ले अपनी जिंदगी में, लेकिन उनकी बोलने की हिम्मत नहीं होती है। तो आज आपको बताते हैं कि कैसे आप बहुत ज्यादा खर्चा किए बिना किसी भी लड़की को आसानी से अपने वश में कर पाएंगे और वो लड़की भी आपसे उतना ही प्यार करेगी जितना आप उससे प्यार करते हैं। इसके लिए दोस्तों अब आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले एक कील ले लेनी है, छोटी सी कील। इस कील का ये काम है कि सबसे पहले आप उस लड़की से या जिस भी स्त्री को आप अपने वश में करना चाहते हैं उसकी बॉडी से, उसके शरीर से आपको इसको एक बार छुआ लेना है। उसको पता नहीं चलना चाहिए कि आपने उसकी बॉडी से इसे स्पर्श करवाया है। जब आप इसे एक बार छुआ चुके होंगे तो उसके बाद इसे अपने घर पे ले आइए। और आपको दूसरी चीज चाहिए होगी, एक काले रंग का धागा। आप देख सकते हैं मैंने ये पतला सा धागा लिया है, जो सिलाई करने वाला धागा होता है उससे भी आप ये काम कर सकते हैं। इस धागे के इस्तेमाल से अब हम एक ऐसा वशीकरण आपको बताएंगे जिसके जरिए आप किसी भी लड़की को अपने वश में कर पाएंगे और जैसा आप चाहेंगे वो लड़की वही करेगी। तो आपको करना क्या है कि बहुत बड़ा धागा नहीं लेना है, ज्यादा से ज्यादा 1 मीटर लंबा एक धागा ले लीजिए। और ये जो कील जो हमने उस लड़की के शरीर से स्पर्श कराई थी वो है हमारे पास। अब इस धागे को आपको इस कील पर इस तरह से लपेटते जाना है। आपको इस धागे को लपेटते समय एक बात बोलनी है, वो ये कहनी है कि तुम मेरे वश में हो, जैसा मैं कहूंगा तुम वही करोगी। तो इस तरह से आपको इस कील के चारों तरफ, इस कील के ऊपर इस धागे को इस तरह से पूरा लपेट देना है। और साथ में ये बोलने के बाद आप इस मंत्र का जाप करते रहिए। ये मंत्र है ओम चामुंडाए, लड़की का नाम बोलेंगे और फिर वशम कुरु कुरु स्वाहा। ये मंत्र बेहद आसान है लेकिन ये बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली मंत्र है। इस धागे को लपेटते समय आप उस लड़की का नाम लेते हुए इस मंत्र का जाप कीजिए और आप देखेंगे कि जब आपका पूरा मंत्र कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको मंत्र को 108 बार बोलना है, उसके बाद जब ये पूरा धागा आप इस पे लपेट चुके होंगे तो भक्तों आपको करना क्या है कि इस कील को ले जाकर आपको सुनसान जगह पर, जहां पर उस समय कोई ना हो, आपको बस इस कील को वहां पर ले जाना है और देखना है अगर आसपास में आपको कोई नीम का पेड़ दिख जाए तो नीम के पेड़ के नीचे आपको इसको गाड़ देना है। याद रखें कि उस टाइम ज्यादा वहां पर कोई हो ना, अगर कोई वहां पर जनता है तो आप इंतजार करें कि लोग वहां से चले जाएं, या फिर आप किसी ऐसे समय पर जाइए जब वहां पर कोई ना हो। और नीम के पेड़ के नीचे मिट्टी खोदनी है और उसके बाद इसको आपको वहां पर गाड़ देना है। ये जो कील हमने अभी बनाई काला धागा लपेट के, जिस पर आपने मंत्र अभिमंत्रित किया हुआ है, जो आपने उस स्त्री या उस लड़की के शरीर से छुआ है जिसको, इस कील को वहां पर गाड़ते ही आप देखेंगे कि 24 घंटे के अंदर अंदर उस लड़की का आपके प्रति रवैया एकदम बदल जाएगा। ये उपाय बहुत ही शक्तिशाली उपाय है जिसे लाखों लोगों ने आजमाया है और उसके बाद हमने इसे YouTube पर आप लोगों के लिए बनाया है, जिससे कि आप भी इसे कर पाएं और आपका इसमें कोई ज्यादा खर्चा नहीं है, क्योंकि आपका कोई नुकसान भी नहीं हो रहा है इसमें। बस आपको सच्चे मन से प्रार्थना करनी है और इस कील को वहां ले जाके गाड़ देना है। जब आप कील गाड़ रहे होंगे उस टाइम पे अपने मन में उस लड़की का ध्यान कीजिए जिसे आप वश में करना चाहते हैं, और कील गाड़ते समय भी आपको 9 बार इस मंत्र का जाप करना है। इस मंत्र का जाप करते हुए आप इस कील को वहां पे गाड़ दीजिए और उसके बाद अपने घर वापस आ जाइए। पीछे मुड़कर आपको नहीं देखना है और अगर रास्ते में कोई आपको टोके या बुलाए तो उसकी तरफ नहीं देखना है, सीधा अपने घर की तरफ आइए। और आप देखेंगे कि अगले दिन ही वो लड़की आपको या तो कॉल करेगी
या फिर जब आप उससे मिलेंगे तो उसका रवैया बिल्कुल बदला हुआ होगा, वो भी आपको पसंद करने लगेगी। और आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, आपने हमारा ये वीडियो देखा, आप इसका इस्तेमाल कीजिए और हमें बताइए हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर कि आपने इस उपाय को किया या नहीं। अगर आपको किसी भी तरह की कोई समस्या हो रही हो या आप नहीं कर पा रहे हो तो आप हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, गुरुजी आपको ये उपाय करके देंगे आपके लिए, किसी भी समस्या का समाधान आपको करके देंगे। तो धन्यवाद दोस्तों।